सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल शिक्षा भारती क्लासेस में वैष्णव सर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय भाषा भारती हिंदी कक्षा 8 वर्ष 2024-25 पाठ 2 आत्मविश्वास के प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख लेते हैं। सही उत्तर छांट कर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1, आत्मविश्वास का संबंध किससे है? तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आत्मविश्वास का संबंध किससे है? तो आत्मविश्वास का संबंध बी मन से है। यहाँ पर आपको खाली स्थान में बी मन से लिख लेना है। प्रश्न क्रमांक 2, सामने वाले व्यक्ति की आधी शक्ति खींच लेने की विशेषता किस में थी? तो इसका सही उत्तर है सी बाली में। तो आपको यहाँ पर खाली स्थान में सी बाली में लिख लेना है। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 को देख लेते हैं। एकाग्रता को कौन नष्ट कर देती है? तो इसका सही उत्तर क्या है, बी दुविधा। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 को देख लेते हैं। कृष्ण ने महाभारत में अपना उपदेश किसे दिया था? तो इसका सही उत्तर क्या है, डी अर्जुन को। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 को देख लेते हैं। कसौटी पर कसना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है सी अच्छे से परखना। तो यहाँ पर आपको खाली स्थान में भर लेना है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप जहाँ पर वीडियो देख रहे हैं उसी वीडियो के नीचे आपको इस तरह से सब्सक्राइब का बटन दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पर टच करना है। फिर आपको घंटी के ऑप्शन पर जरूर टच करना है। वीडियो को आपको अवश्य लाइक करना है। यदि आप अपने दोस्तों को वीडियो भेजना चाहते हैं, उनकी भी मदद करना चाहते हैं, तो आप शेयर के ऑप्शन पर टच करके व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो अपने दोस्तों को भेज सकते हैं। चलिए अब इसके अगले प्रश्नों को देख लेते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 6 को देख लेते हैं। दुश्मन शब्द का हिंदी मानक समानार्थी शब्द खालिस्तान है। तो देखिए यहाँ पर दुश्मन का समानार्थी शब्द क्या होता है, शत्रु होता है। तो यहाँ पर आप खालिस्तान में शत्रु लिख लेंगे। फिर इसका प्रश्न क्रमांक 7, खालिस्तान ने महाभारत में पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया। तो देखिए पांडवों को आत्मविश्वास से किसने भरा था, श्री कृष्ण जी ने। तो आपको खाली स्थान में श्री कृष्ण भर देना है। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 को देख लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र के विद्वान को खाली स्थान कहते हैं। तो देखिए ज्योतिष शास्त्र के विद्वान को क्या कहते हैं, ज्योतिषी कहते हैं। तो आपको खाली स्थान में ज्योतिषी भर देना है। प्रश्न क्रमांक 9, आत्मविश्वास पाठ खाली स्थान विधा है। तो देखिए जो आत्मविश्वास पाठ है वो कौन सी विधा है, निबंध विधा है। तो यहाँ पर आपको निबंध भर देना है। प्रश्न क्रमांक 10, भाग्यशाली शब्द में खाली स्थान प्रत्यय है। तो देखिए भाग्यशाली शब्द में प्रत्यय क्या कहलाएगा, साली प्रत्यय कहलाएगा। फिर इसके बाद आ जाते हैं अति लघुतरी प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय छाट कर लिखिए। तो देखिए सफलता, मानसिक, बंदूक वाला, धनवान, इसमें से हमको प्रत्यय को बताना है। तो देखिए सफल मित्ता शब्द लग गया तो क्या हो गया, सफलता। तो सफलता में देखिए जो ता है हमारा वो क्या है, प्रत्यय है। जैसे मानसिक, तो देखिए मानसिक में प्रत्यय क्या हो जाएगा, इक प्रत्यय लगा है तो हमारा ये इक प्रत्यय हो जाएगा। फिर बंदूक,
वाला, तो वाला क्या हो जाएगा, हमारा प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ पर बंदूक वाला में वाला प्रत्यय है। धनवान, तो देखिए वान क्या है, प्रत्यय है। तो इस तरह से आप प्रत्यय छाट कर लिख सकते हैं। फिर आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 12 को देख लेते हैं। विजय माला सामासिक पद में कौन सा समास है? तो देखिए विजय माला सामासिक पद में तत्पुरुष समास होगा। फिर आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 13 को देख लेते हैं। हमें किन लोगों से दूर रहना चाहिए? तो इसका उत्तर है हमें बुरी संगत के लोगों से दूर रहना चाहिए। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 को देख लेते हैं। राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? तो इसका उत्तर है बाली को अपने शत्रु के आधे बल को खींच लेने का वरदान प्राप्त था, अतः राम उसके सामने आकर नहीं लड़े। यह वरदान बाली को शंकर भगवान ने दिया था। राम भगवान शंकर के वरदान का सम्मान करते थे। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 को देख लेते हैं। विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं? तो इसका उत्तर है जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी को और अपना बल तौले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 को देख लेते हैं। सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है भाव हमारे अंदर उद्देश्य के प्रति अटूट विश्वास है, तो निश्चय ही हम अपने उद्देश्य में सफल होते हैं, किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त करते हैं तथा लगातार उन्नति प्राप्त करते हैं। अतः अटूट विश्वास ही उपाय है। सफलता का संघर्ष में, विजय का जीवन में, उन्नति प्राप्त करने का। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 को देख लेते हैं। लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए? तो इसका उत्तर है आत्मविश्वास पाठ में लेखक का मित्र साहस और आत्मविश्वास की कमी से ग्रस्त है। उसमें परख और सूझबूझ की भी कमी है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी परिस्थिति को अच्छी तरह परख कर साहस और विवेक से सामना करना चाहिए। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 को देख लेते हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए क्या क्या जरूरी है? तो इसका उत्तर है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए आत्मविश्वास के साथ अभ्यास और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहिए। फिर इसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 19। आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर है आत्मविश्वास की ताकत कठिनाई पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य देती है। आत्मबल के विकास से हम सफलता के मार्ग पर आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। अपने आत्मबल के द्वारा मनुष्य अवश्य ही भाग्यवान बन जाता है। अतः भाग्यवान वही है जो उचित दिशा में अपने कर्तव्य का पालन करता है और अपने लक्ष्य की साधना में
अपनी सामर्थ्य और क्षमता में पूरा विश्वास रखता है। मन में सदा अच्छे शुभ विचारों को स्थान दीजिए। हमें सफलता और सौभाग्य दोनों ही प्राप्त होंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण है, जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ चुनौतियों को ही चुना और सफलताओं के शिखर पर पहुंचते रहे। उनमें अटूट आत्मविश्वास था। फिर इसके बाद अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 20। गद्यांश को पढ़कर उसका सार अपने शब्दों में लिखिए। हर व्यक्ति की अपनी क्षमताएं एवं सीमाएं होती हैं, किंतु विपरीत परिस्थिति होने पर उसे अपनी ही शक्ति पर अविश्वास सा होने लगता है। ऐसे में उसका मनोबल डगमगाने लगता है। इस स्थिति में थोड़ी सी प्रेरणा ही उसे उत्साहित कर देती है। रामायण का प्रसंग है कि रावण सीता जी का अपहरण कर लंका में ले गया। तब सबके सामने यह समस्या थी कि इस अथाह समुद्र को कौन पार करे। जामवंत ने इसका हल ढूंढ निकाला। उन्होंने हनुमान जी को प्रेरित करते हुए उनमें सोई हुई शक्ति का एहसास दिलाया। हनुमान जी को अपने पर भरोसा हुआ और उन्होंने अपना कार्य पूर्ण किया। यही शक्ति हम सभी में है। तो देखिए, हमको क्या बताना है, गद्यांश को पढ़कर उसका सार आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो देखिए, इसका उत्तर है, इस गद्यांश से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि व्यक्ति को अपना आत्मविश्वास एवं मनोबल को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वह शक्ति समाहित होती है जिसे वह पहचान नहीं पाता। लेकिन यदि कोई विषम परिस्थिति आ जाए और व्यक्ति को कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, तब वह अपने अंदर मन में झांके और अपने आत्मविश्वास से उस कार्य को करे जो उसके अंदर की काबिलियत है, तो वह इंसान उस कार्य को आसानी से कर ले जाता है। चाहे फिर रास्ते में कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, चाहे फिर वो हनुमान जी हो या कोई आम इंसान, आत्मविश्वास ही हमारी असली शक्ति है। आशा करते हैं आज की वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों के उत्तर आप अपने एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में लिख चुके होंगे। इसी तरह आपको हमारी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहे, आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए आपको क्या काम करना है, आप जहाँ पर वीडियो देख रहे हैं उसी वीडियो के नीचे आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, तो आपको सब्सक्राइब के बटन पर टच करना है, फिर आपको घंटी के ऑप्शन पर टच करना है, वीडियो को आपको अवश्य लाइक करना है। यदि आप हमारी वीडियो को अपने दोस्तों को भेजना चाहते हैं, उनकी भी मदद करना चाहते हैं, तो आप शेयर के ऑप्शन पर टच करके वीडियो अपने दोस्तों को भेज सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे, समय पर आपको नोटिफिकेशन के रूप में वीडियो प्राप्त हो जाएगी और आपका किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। इसी के साथ आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको किसी भी पाठ का, विषय हिंदी का या किसी अन्य विषय का वीडियो चाहिए, तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो के लिंक प्राप्त कर सकते हैं और वहां से वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जल्द ही मिलेंगे हम अगली वीडियो के साथ।